इंदर, जब मैं चली जाऊं तो प्लीज मेरे फोटो पे हार मत चढ़ाना। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है कैपकट। तो कैपकट से लिरिक्स और यहाँ पर इफेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पर एक और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज, इस एप्लीकेशन का नाम है VPN। तो देखो, गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना, आपको बहुत सारे VPN मिल जाएंगे। उसमें से आपको सिक्योर VPN या VPN फास्ट या सुपर VPN या टर्बो VPN, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है डाउनलोड कर लीजिएगा और कनेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर सिक्योर VPN को पहले से कनेक्ट करके रख लिया है। अब यहाँ पर आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको वीडियोस को ऐड करना होगा। तो देखो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या गाइज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कैपकट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है, और इस तरीके की वीडियो गाइज मैंने पहले भी आपको 4K HD में क्रिएट करके बताया है, तो उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस तरीके की वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए देखो गाइज, यहाँ पर कुछ वीडियो को मैंने पहले से एडिट करके यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। बाकी आप इंस्टाग्राम वगैरह से इस तरीके की वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे वीडियो को टैप कर लेंगे और ऐड कर लूँगा, ठीक है। वीडियो को ऐड करने के बाद मैं आपको रेटियो पे आना है। यहाँ पर आप जो साइज में रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 16.9 को सिलेक्ट करके डन कर दिया है, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर देखो, तो वीडियो वगैरह मैंने पहले से ट्रिम करके रखा हुआ है, इस पर फिक्स करके रखा हुआ है। बस यहाँ पर क्या करना, जहाँ से मेरी डायलॉग ख़त्म हो गई ना, वहाँ से गाइज मैं इसको कट लगा लूँगा, ठीक है। लाइक आपको भी इस तरीके से वीडियो गाइज ले लेना है, और जहाँ से आपको ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड करना है ना, वहाँ से आपको कट लगा लेना है। लाइक यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ से कट करना है, तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक कट लगा लूँगा, फिर से आगे जाएंगे और लाइक यहाँ पर देखते हैं कहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे, फिर गाइज यहाँ पर ये ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पर लगा लूँगा, फिर गाइज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ इस तरीके से ये वीडियो में हमने कट लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको लिरिक्स वगैरह को टाइप कर लेना होगा। तो जो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैंने पहले से नोट पैड में यहाँ पर इसकी जो डायलॉग्स है उसको मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो पहले गाइज मैं इतना क्लिक करके यहाँ पर उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट में आएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस देखो, सॉन्ग वगैरह भी ऐड करना है। तो मैं तो इस वीडियो में ही सॉन्ग ऐड करके रखा हुआ हूँ, इसलिए गाइस यहाँ पर मैं नहीं कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप ऐड करना तो पहले इसको टैप करके इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर आपको म्यूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर एड ऑडियो पर आना है, एक्सट्रैक्टेड बजा के वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसकी सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट पर आएंगे और एड टेक्स्ट पर आएंगे, और यहाँ पर मैं लिरिक्स को पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी इस लिरिक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस देना है बीच में, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, बीच में मैंने इसलिए खाली रखा है, और ये जो लिरिक्स है ना, अभी देखो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है इतना लिरिक्स को कॉपी कर लिया बीच वाले का, क्योंकि मैं यहाँ पर कलर इसकी चेंज करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा गाइज यहाँ पर कलर चेंज करेंगे और लिरिक्स वगैरह भी और ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले सबसे पहले फॉन्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एड फॉन्ट में जाएंगे, और लेमन मिल्क ये वाला फॉन्ट ऐड कर सकते हो, या ये वाला ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं, प्लस पर टैप करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉन्ट का लिंक दे दिया हूँ। अपलोड फाइल पर क्लिक कर लेना है, और आपको डायरेक्ट उस फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो फॉन्ट आपकी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ के फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद में स्टाइल में जाइए, कलर में जाके गए, जो कलर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए वाइट ही रहने दूंगा, और यहाँ पर शेडो में जाके ब्लैक कलर को ऐड कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस जो इसको कम करना है, ओपासिटी को कम कर लेना है, और ऐसे करके फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ओपासिटी को देखो ऐसे करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्लर को कम कर देना, ओपासिटी को कम करके, और चलो इतना कर देंगे। डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करके बस इतना करके डन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को ना बीच में थोड़ी सी पहले स्पेस दे देता हूँ, ताकि मेरी ये लिरिक्स भी फिक्स आ जाए गाइस, ठीक है। और ऐसे करके स्पेस दे के डन करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ और छोटा करूँगा, ऐसे लाइक देख सकते हो,
ऐसे करके हमने छोटा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को क्लिक करके हम डुप्लीकेट कर लेंगे यानी कॉपी कर लेंगे, और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, पेंसिल पर टैप करेंगे तो एडिट पर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके बाकी जो लिरिक्स हमने कॉपी किया था उसको ऐड करेंगे। फॉन्ट में जाएंगे, इस बार लेमन मिल्क बोल्ड को ऐड करूँगा, और यहाँ पर स्टाइल में जाके कलर में जाके यहाँ पर इसकी जो कलर है मैं यहाँ पर येल्लो करके यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आप कलर कस्टमाइज कर लेना जैसा कलर चाहिए, तो यहाँ पर डन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये लिरिक्स मेरे को इसके बीच में गाइज फिक्स करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी ना और मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएंगे और कुछ इस तरीके से मैं फ़िलहाल के लिए स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और डन करेंगे और अपनी लिरिक्स को इधर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा ही स्पेस हो गया, बट यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर लेना है गाइज। तो थोड़ा सा यार क्या ही करे भाई, हर एक एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। जैसे कि इसने भी यार इसमें कहीं मूव करने का इसने दे ही नहीं रखा है मुझे लग रहा है, बट चलो यार कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे करके अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से यहाँ रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यार इसको और मुझे, तो यार क्या हो रहा है भाई, तो जस्ट वेट गाइज, और इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए भाई रख लेता हूँ। आप लोग आराम से फिक्स कर लेना भाई, क्योंकि क्या ही बताइए यार, सारे एप्लीकेशन ने मतलब कि इस तरीके का मूविंग वाला ऑप्शन नहीं देता ने गाइज, तो बहुत ही बेकार लगता है यार इसमें। देखो एक तो सेंटर में नहीं आता रहता, दूसरा भाई यहाँ पर बड़ी दिक्कत होता है। चलो यार इसको ना आप अच्छे से गाइज यहाँ पर फिक्स कर लेना, ठीक है। मैं आप लोग एग्जांपल के लिए बता दिया, थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ आपको, ऐसे करके अच्छे से फिक्स कर लेना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छे से आप फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पर देख लो बिल्कुल ही मेरा ये बेकार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यार क्या हो रहा है भाई। तो चलो यार आप अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि यार ये यहाँ पर मेरा सेटिंग्स अच्छे से नहीं फिक्स हो पा रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स कर लेना। चलो गाइज फिक्स हो गया, और जब फिक्स होने के बाद में इसकी ड्यूरेशन को आपको पहले तो पूरी लास्ट तक यहाँ तक कर लेना है, जितना हम लिरिक्स लिखेंगे इधर भी क्लिक करके भाई यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अब प्ले कर लेना, आप अपने सुन लेना कि ये जहाँ पर जाकर ख़त्म होगा ना वहीं पर गाइज यहाँ पर आपको बीच में कट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा एक लिरिक्स मंड है, तो बीच में इसको कट लगाएंगे, इसको भी कट लगाएंगे। अब दूसरा जो आपको लिखना होगा ना यहाँ से क्लिक करके मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पर कॉपी कर लिया, अब इसको हम टैप करेंगे ऊपर वाले को फिर से, और स्टाइल में आएंगे, अब इसको यहाँ से मैं क्लिक करके डिलीट कर लूँगा। तो बाकी को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इतना करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है फ़िलहाल के लिए। अब इधर भी क्लिक करूँगा और पेंसिल में आऊँगा, इधर भी क्लिक करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको इधर रख लेना है, और इसको मैं क्या करूंगा, फॉन्ट में जाऊंगा, लेमन मिल्क बोल्ड को ये टैप करूंगा, और इसको मैं इस तरफ में यहाँ पर येलो कर लूंगा, ये वाइट ही रहने देता हूँ। बाकी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आप जो अच्छा लगता है सेलेक्ट कर सकते हो, ये रहने देता हूँ, और येलो वाले को टैप करेंगे, और स्टाइल में आके इसकी भी फॉन्ट को यहाँ पर मैं वही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर रख लेंगे, साइज थोड़ा सा मैं यहाँ पर इनक्रीज कर दिया हूँ, और डन कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा दूसरा लिरिक्स भी बन जाएगा। इसी तरह से सुन लेना, बीच में कट लगा लेना, और जो सो फिर से लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से गाइज आप लिरिक्स को यहाँ पर बना लेना, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो अब यहाँ पर लिरिक्स पर टैप कीजिएगा, और यहाँ पर एनिमेशन में आइएगा, तो यहाँ पर आपको एनिमेशन में कुछ इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे इन में जाओगे तो देखो यहाँ पर लेज़र वाला मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक लाइट वाला इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आउट में जाइए, और यहाँ पर आउट में जाने के बाद में आपको ब्लरी ग्लो ये है इसको टैप कर लेना है, और डन कर लेना है। अब इसी नीचे वाले पे भी टैप करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, और यहाँ पर आपको इन में जाके इलेक्ट्रिक लाइट को ऐड करना है, फिर आउट में जाना है और ब्लरी ग्लो को ऐड कर लेना है, और डन कर देना है। तो देखो हमारी लिरिक्स कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर ये वाला प्ले होने लग जाएगा, ओके। अब दूसरी जो लिरिक्स आपको बनाना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर इसको टैप कीजिए, एनिमेशन में जाइए, और जैसे कि इलेक्ट्रिक कट है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और आउट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे हैं, तो मैं इसको भी ब्लरी ग्लो ही इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी टैप करेंगे, और यहाँ पर सॉरी स्टाइल में जाएंगे एनिमेशन में, और यहाँ पर आपको लेज़र कट ही ऐड कर लेना, आउट में जाके यहाँ पर ब्लरी ग्लो जो है इसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से गाइस हमारी लिरिक्स भी यहाँ पर बन जाएगा,
देख सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट लिरिक्स को भी कुछ इस तरीके से का जो भी है इफेक्ट है यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर ब्लरी ग्लो है और भी बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका भी इलेक्ट्रिक ही लाइट कर देता हूँ, देन इधर भी क्लिक करेंगे और इसका भी यहाँ पर हम इनमें इलेक्ट्रिक लाइट ही कर देते हैं, ठीक है। और आउट में आपको जो रखना है रख सकते हो, ब्लरी ग्लो, ठीक है। इसके में क्लिक करके मैं यहाँ पर ब्लरी ग्लो कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लाइट मोशन से ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझे बता दो, उसमें मैं टेक्स्ट ट्रैकिंग वगैरह बता दूंगा। इसमें भी टेक्स्ट ट्रैकिंग आप कर सकते हो, बट गाइज उतना प्रोफेशनली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए गाइज यहाँ पर लाइट मोशन से आप अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। तो देखो कुछ इस तरीके से, बाकी गाइज यहाँ पर आपको टाइमर देख के ही इसको यहाँ पर एनिमेशन में आना और यहाँ पर टाइमिंग देख के ही इसको कम ज़्यादा करना, ठीक है। किस तरीके से आपको देखो, लाइक यहाँ पर पहले जो लिरिक्स प्ले हो रहा है, जो बाद में हो रहा है, इस तरीके से आपको देख के करना है, ठीक है। इतना हो जाएगा, उसके बाद में आपको अभी इमेज यानी वीडियो पर टैप करना है, एनिमेशन में आना है। तो यहाँ पर देखो कॉम्बो नाम का इफेक्ट मिलेगा, यानी कि एक ऑप्शन मिलेगा, इसको टैप करके वेव, यहाँ पर ये वेव फर्स्ट वाला मिलेगा, इसको ऐड कर देना है। उसी तरह दूसरे में जाइए और यहाँ पर उसी को सेलेक्ट करिए, फिर तीसरे में जाइए, फिर उसी को सेलेक्ट करो। तो जितना भी इमेज है उस पर कुछ इमेज या वीडियो जितना भी होगा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए तो हमारी गाइस यहाँ पर लिरिक्स भी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिरिक्स आप मैनेज कर सकते हो, जो लिरिक्स आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग टाइम वगैरह सेट कर लेना और कुछ इस तरीके से वीडियो गाइज आपकी भी बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगी। बस यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गाइज वीडियो को यहाँ पर गैलरी में सेव कर लेना है।